लोगों को तकलीफ है। कहते हैं जो तकलीफ का वक्त है ये जल्दी खत्म होगा और हमारे देश का एक सुनहरा भविष्य जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं अपने कवि की तरफ रुकूंगी, तब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाले हैं? जैसा कि मैंने कार्यक्रम में के शुरुआत में ही कहा था कि कुछ मुक्ता कुछ दोहे, तो एक गजल के कुछ शेर आपकी नजर है, ध्यान चाहूंगा आपका। शिराओं में समय की जो लहू बनकर मचलता है, शिराओं में जो लहू बनकर मचलता है, विचारों का यही दरिया जमाने को बदलता है। शिराओं में समय की जो लहू बनकर मचलता है, विचारों का यही दरिया जमाने को बदलता है। हिरासत में हवाओं को लिया करती हैं ये गजलें, हिरासत में हवाओं को लिया करती हैं, हिरासत में हवाओं को लिया करती हैं ये गजलें, तभी उम्मीद का दीपक यहाँ बेखौफ जलता है। शिराओं में समय की जो लहू बनकर मचलता है, विचारों का यही दरिया जमाने को है। हम विचारों का ये एक गजल की कुछ और शेर देख लीजिए कि अब स्वप्न संजोना कुछ अजीब सा लगता है, अब शापों का स्वप्न संजोना कुछ अजीब लगता है, विषधर का सन्यासी होना कुछ अजीब सा लगता है, अब शापों का स्वप्न संजोना लगता है, विषधर का सन्यासी होना कुछ अजीब सा लगता है, खुद को मोम किया तो पाया ढोने को बस आग मिली, खुद को मोम किया तो पाया ढोने को बस आग मिली, खुद को मोम को पाया ढोने को बस आग मिली, कुदरत का ये जादू टोना कुछ अजीब सा लगता है, विषधर का सन्यासी होना कुछ अजीब सा लगता है। आज की तारीख के विषय में शुरू में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, कुछ विशेष लोगों के लिए उनकी शुभकामनाएं दी, और उसमें एक बात जोड़ते हुए आज मेरे बेटे का भी जन्मदिन है और अगली पंक्तियां उसी को समर्पित करते हुए, नहीं मिले थे तो किस्मत को कोस लिया करते थे हम, नहीं मिले थे तो किस्मत को कोस लिया करते, मगर तुम्हें अब पाकर खोना कुछ अजीब सा लगता है, विषधर का सन्यासी होना कुछ अजीब सा लगता है, उसने हंसकर भेजा रोजी रोटी की खातिर, यूं तो उसने हंसकर भेजा रोजी रोटी की, लेकिन माँ का छुप छुप रोना कुछ अजीब सा लगता है, विषधर का सन्यासी होना कुछ अजीब लगता है। और आज के कलमकारों के लिए कि तुमने ही तो सरगम चुनकर दिए शब्द सन्नाटों को, तुमने ही तो सरगम चुनकर दिए शब्द सन्नाटों को, कलम तुम्हारा रोना धोना कुछ अजीब सा लगता, विषधर का सन्यासी होना कुछ अजीब सा लगता है। एक गजल की एक दो शेर और देख लीजिए। सुन ओ कलम धर्मा जरा ये बात लिख देना, अरे सुन ओ कलम धर्मा जरा ये बात लिख देना, मचलती आग के अनुरोध से बरसात लिख देना, जहां पीयूष निष्कासित गरल की उम्र लंबी है, वहां बेहद जरूरी है कोई सुकरात लिख देना, वहां बेहद जरूरी है कोई सुकरात लिख देना। बहुत 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 और अच्छी शायरी थी, बिल्कुल सही बात है, आपने अपनी जो शायरी थी कविता थी उसके जरिए हमारे समाज का एक पूरा आईना दिखाया, फिर चाहे